नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। आज की बड़ी खबर यही रही कि आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है, यानी एक तो लोन महंगे नहीं होंगे और वहीं ईएमआई में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरबीआई ने आखिरी बार पिछले साल फरवरी में दरें 1/4% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं आरबीआई ने पॉलिसी रुख अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। दूसरी तिमाही के लिए सीपीआई और जीडीपी अनुमान को भी घटा दिया गया है। पॉलिसी कमेटी विथ 3 न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स मेट ऑन 7th, 8th, and 9th October, एंड आफ्टर असेसिंग द इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस एंड द आउटलुक, द एमपीसी डिसाइडेड by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आइए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की 10 बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। क्या हुआ आज? आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। 6.5% पर जो रेट्स हैं वो स्थिर हैं, बरकरार हैं। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों का दर स्थिर रखने का के पक्ष में वोट रहा। एमपीसी ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रुख बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। दूसरी तिमाही में जीडीपी और महंगाई के अनुमान घटाए गए हैं। साथ ही कमेंट्री में आरबीआई गवर्नर ने अनसिक्योर लोन पर कड़ी नजर रखने की बात कही। साथ ही जो एनबीएफसीज हैं उसमें अनाप शनाप ग्रोथ पर चिंता भी जताई गई है और उन्हें आगाह भी किया गया है। साथ ही नॉन बिजनेस फ्लोटिंग लोन प्रीपेमेंट पर पेनल्टी नहीं लगेगी, ये बात सामने आई। FY25 जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2%, तो सीपीआई अनुमान 4.5% पर कायम रखा गया है। Q3, Q4 FY25 जीडीपी अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। वहीं Q4 FY25 सीपीआई अनुमान 4.3% से घटाकर 4.2% कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हैं, उनसे समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर और क्या खास बातें रही हैं जो आपसे यानी कि आम लोगों से जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आगे नरमी का संकेत दिया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपना जो स्टांस होता है, नजरिया होता है, उसको न्यूट्रल कर दिया है। जहाँ तक महंगाई की बात है, रिजर्व बैंक का ये कहना है कि महंगाई की दर धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन महंगाई को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई रिजर्व बैंक की तरफ से नहीं की जाएगी और नज़र हमेशा महंगाई पर बनी रहेगी। अगर ग्राहकों के लिहाज से देखें, आम लोगों के लिहाज से देखें, तो रिजर्व बैंक ने एक बड़ी वार्निंग दी है NBFCs को, खासतौर पर ऐसी NBFCs जो कि कंज्यूमर लोन देती हैं या बहुत छोटे छोटे लोन देती हैं, कि वो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट की जो पॉलिसी है उस पर अमल नहीं करें, किसी भी कीमत पर ग्रोथ की पॉलिसी पर फोकस ना करें। और इसी चक्कर में कई बार ग्राहकों पर वो अनाप शनाप उनके चार्जेस लगाते हैं, पेनल्टी लगाती हैं, तो ऐसा नहीं करें, रिजर्व बैंक ने उनको आगाह किया है। एक और जो ग्राहकों के लिए, आम लोगों के लिए काम की चीज़ हो सकती है, कि जो UPI लाइट है उसमें जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है 500 रुपये की, उसको बढ़ाकर 1,000 कर दिया है। साथ ही जो ओवरऑल लिमिट होती थी 2,000 रुपये की, उसको बढ़ाकर के 5,000 कर दिया है। साथ ही जो बेसिक फीचर फ़ोन पे काम करने वाली जो UPI की सुविधा थी, UPI 123, उसकी लिमिट भी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। MSMEs के लिए यानी छोटे कारोबारियों के लिए एक रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है जो उनके हित में है। वो ये है कि अगर वो भी अपने फ्लोटिंग रेट वाले लोन का प्रीपेमेंट करते हैं, यानी समय से पहले चुकाते हैं, तो किसी भी तरह की पेनल्टी जो है लोन को समय से पहले बंद करने पर नहीं लगाई जाएगी। तो ये तो हमने समझा।